हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्यास के कारण मेरा गला शुष्क हो रहा है प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। हे देवेंद्र, महातपस्वी महर्षि उत्तंक को जो मरुभूमि में कठोर तपस्या कर रहे हैं, उन्हें प्यास लगी है, उनका गला शुष्क हो गया है। मैंने उन्हें वर दिया है कि जब भी वो पानी की इच्छा करेंगे, उन्हें पानी तत्काल प्राप्त होगा। हे विश्वनायक, हे दया सागर, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी समय वरुण देव को आदेश देकर मरुभूमि में पानी की वर्षा करवाता हूँ। महर्षि उत्तंक को मैं पृथ्वी लोक वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं महर्षि उत्तंक को पानी के बदले अमृत पिलाकर उनका मान करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ देवेंद्र कि मनुष्य को अमृत पिलाना उचित नहीं है, परंतु महर्षि उत्तंक कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, फिर भी वो अमृत का वरदान पाने, अमर हो जाने के योग्य हैं या नहीं, इसकी परीक्षा तुम अपने आप ले सकते हो। ठीक है प्रभु। लीजिए महर्षि, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए और जल का निर्माण करने वाले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से पानी तो क्या अमृत भी नहीं पी सकता। आप पानी नहीं पिएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम चांडाल हो, चांडाल। तुम्हारे हाथ का पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। तुम जैसे चांडाल के हाथों से पानी पीने से तो अच्छा है कि मैं प्यासा ही मर जाऊं। हे चांडाल, चले जा मेरे सामने से, चले जा। इस मरुभूमि में अब पानी कहाँ मिलेगा? ऐसी लीला है प्रभु, आप ही ने तो मुझे वरदान दिया था कि जब भी मुझे जल ग्रहण करने की इच्छा होगी, मुझे इस मरुभूमि में तत्काल जल प्राप्त होगा। परंतु यहां तो जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है प्रभु। प्यास के कारण मेरा गला शुष्क हो रहा है प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। सारथी रथ रोको। प्रणाम भगवान। आज्ञा कीजिए प्रभु। हे देवेंद्र, महातपस्वी महर्षि उत्तंक को जो मरुभूमि में कठोर तपस्या कर रहे हैं, उन्हें प्यास लगी है, उनका गला शुष्क हो गया है। मैंने उन्हें वर दिया है कि जब भी वो पानी की इच्छा करेंगे, उन्हें पानी तत्काल प्राप्त होगा। हे विश्वनायक, हे दया सागर, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी समय वरुण देव को आदेश देकर मरुभूमि में पानी की वर्षा करवाता हूँ। देवेंद्र, महर्षि उत्तंक महात्मा हैं, लोक कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने जो वरदान मुझसे मांगा है, उसमें भी उन्होंने
प्रजा का कल्याण ही देखा है। स्वार्थी मनुष्यों से भरे इस पृथ्वी लोक पर निस्वार्थ की प्रतिमा महर्षि उत्तंग को मैं पृथ्वी लोक वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं महर्षि उत्तंग को पानी के बदले अमृत पिलाकर उनका मान करना चाहता हूं। इसी कारण मैंने तुम्हें बुला लिया है। देवेंद्र, तुम स्वयं जाकर भृगुनंदन उत्तंक को अमृत प्रदान करो। मैं जानता हूं देवेंद्र कि मनुष्य को अमृत पिलाना उचित नहीं है, परंतु महर्षि उत्तंक कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, फिर भी वो अमृत का वरदान पाने अमर हो जाने के योग्य है या नहीं, इसकी परीक्षा तुम अपने आप ले सकते हो। ठीक है प्रभु, यदि भृगुनंदन महात्मा उत्तंग को अमृत देना आवश्यक है तो मैं इसी समय जाकर चांडाल का रूप धारण करके उनसे मिलता हूं और उन्हें अमृत प्रदान करता हूं। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब चांडाल का रूप धारण करके मैं महर्षि उत्तंग की परीक्षा लूंगा। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आप ही ने तो कहा था कि जब मुझे प्यास लगेगी तो इस मरुभूमि में जल मिलेगा, परंतु अब तक यहां कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। कृपा करें प्रभु, अपने वरदान की लाज रखें। प्रभु, प्रभु। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया महर्षि, धन्य हो गया। इस मरुभूमि में पानी नहीं बरसता, आग बरसती है। आग बार बार प्यास लगती है, इसलिए मैं अपने साथ पानी अवश्य रखता हूं। आपको भी प्यास लगी है ना भृगुनंदन? नहीं। लीजिए, आप भी पानी ग्रहण कीजिए। लीजिए, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए ऋषि श्रेष्ठ। लीजिए। ये आपने क्या किया प्रभु, ये क्या कर दिया? मेरी प्यास बुझाने के लिए एक चांडाल को भेज दिया। लीजिए ना महर्षि। नहीं प्रभु, प्रभु ये आपने मुझे वरदान दिया है या शाप? ये जल अत्यंत मधुर है महर्षि। एक चांडाल का स्पर्श होने से जल मधुर कैसे रहेगा? और पवित्र भी। तुम्हारे कारण तो जल अपवित्र हो गया है चांडाल। लीजिए महर्षि, संकोच मत कीजिए। आपको प्यास से तड़पता देखकर मुझे आप पर बड़ी दया आ रही है और मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है, क्रोध। महर्षि, वो जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, यदि अंधे को मिल जाए तो एक आंख भी बहुत होती है, और प्यास से सूख कर कांटा हुई जीभ को पानी की एक बूंद भी मिल जाए तो अमृत सागर के बराबर होती है। लीजिए महर्षि, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए और जल का निर्माण करने वाले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से पानी तो क्या अमृत भी नहीं पी सकता।
आप पानी नहीं पिएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम चांडाल हो चांडाल, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। तुम जैसे चांडाल के हाथों से पानी पीने से तो अच्छा है कि मैं प्यासा ही मर जाऊं। हे चांडाल, चले जा मेरे सामने से, चले जा। मैं तो मनुष्य के नाते संकट में फंसे मनुष्य की सहायता करना चाहता था। एक मानव और दूसरे मानव में कोई भेदभाव नहीं होता, पर आप जैसा महर्षि भी ऐसा समझता है तो कदाचित मैं ही भूल कर रहा हूं। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। अरे ये क्या, वो चांडाल कहां लुप्त हो गया? ये कैसे हो गया? क्या वो मेरी आंखों का धोखा था? नहीं नहीं, वो धोखा नहीं था। तो फिर वो था कौन? साधारण मनुष्य तो अचानक न सामने आते हैं न ही तुरंत लुप्त हो जाते हैं। मैंने उसके हाथों से पानी पीने से मना करके कहीं कोई भूल तो नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मेरी परीक्षा लेने के लिए चांडाल के रूप में किसी देवता को भेजा था? हे प्रभु, हे अनाथों के नाथ, हे करुणा निधान, हे दयाधन, मैं मनुष्य गलतियों का पुतला हूं। इतनी तपस्या करने के बाद भी मेरे मन में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिटा, तो फिर मेरी तपस्या किस काम की? इस प्रकार तो मेरी जीवन संपत्ति ही नष्ट हो गई प्रभु। मैंने एक मानव और दूसरे मानव में भेदभाव करके ईश्वर का अपमान किया है। एक ऋषि के हाथों ईश्वर का अपमान हो जाए तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता, प्रभु जीना नहीं चाहता। इसी मरुभूमि में योग बल से मैं अपने प्राण त्याग कर रहा हूं प्रभु, अपने प्राण त्याग कर रहा हूं। रुक जाइए भृगुनंदन, आप अपने प्राणों का यूं त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्राणों पर आपका अधिकार नहीं है। हां भृगुनंदन, आपके प्राणों पर पृथ्वी लोकवासियों का अधिकार है, समाज का अधिकार है, क्योंकि आप महात्मा हैं। महायुद्ध में महासंहार होने के बाद जिस नव समाज की निर्मिति की जाएगी उसे योग्य मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व आप पर है। पांडवों के जो वंशज पांडवों के बाद राज्य शासन का रथ चलाएंगे उन्हें धर्म का ज्ञान देना और धर्म मार्ग का दर्शन कराना आप ही का उत्तरदायित्व है। हे महात्मन, आपका कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, फिर आप अपने प्राणों का त्याग कैसे कर सकते हैं जिस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है? प्रभु, आप मुझे महात्मा कहकर
अपने इस तुच्छ भक्त का गौरव बढ़ा रहे हैं, न तो मैं आपके इस गौरव का अधिकारी हूं और न ही मैं महात्मा हूं। प्रभु, यदि मैं महात्मा होता तो आपकी प्रभुता जान लेता और जो एक मानव और दूसरे मानव के बीच भेदभाव नहीं रखती, मैं ये कभी नहीं भूलता कि आप ही ने श्री रामावतार में शबरी के जूठे बेर खाए थे। यदि मैं सचमुच महात्मा होता तो आपने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए जो जल चांडाल के द्वारा भेजा था उसे कभी न ठुकराता। मुझे अपनी इस भूल का दंड अवश्य मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। हे महर्षि, आपने जिसे पानी समझा था वो पानी नहीं, अमृत था। अमृत था? हाँ द्विजश्रेष्ठ, अमृत। अर्थात मुझे मेरे किए का दंड मिल गया। मेरे अज्ञान ने मुझे ईश्वर के प्रदान किए हुए अमृत से वंचित रख दिया प्रभु, अमृत से वंचित रख दिया। आप तो जानते हैं मनुष्य को अमृत तो कभी प्रदान नहीं किया जाता, फिर भी आपकी योग्यता जानकर मैंने आपको अमृत प्रदान करना चाहा था, क्योंकि आप जैसा महान तपस्वी, महाज्ञानी और धर्मात्मा की तो इस संसार को सदा ही आवश्यकता रहेगी। इसलिए आपने पानी मांगा था और मैंने अमृत भेजा था। मेरा दुर्भाग्य प्रभु, मेरा दुर्भाग्य कि मैंने प्रभु की कृपा को अनजाने में ठुकरा दिया। हे महात्मन, मैंने जो अर्जुन से कहा था वही आपसे कह रहा हूं। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रंग, स्मृति भंचाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात शक्ति का नाश हो जाता है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है वो मनुष्य अपने स्तर से गिर जाता है। हे करुणा निधान, आपके दिव्य दर्शन से मेरे मन की प्यास बुझ गई है प्रभु। अब यो तंक क्रोध को अपने आप पर कभी विजय पाने नहीं देगा प्रभु, कभी विजय पाने नहीं देगा। हे भार्गव, मैंने आपको जो जल प्राप्ति का वरदान दिया है उसका लाभ आप सदा ही उठाते रहेंगे। जब भी आपको प्यास लगेगी और आपके पास पानी नहीं होगा तो इस मरु प्रदेश में घनेरे बादल प्रकट होंगे जो आपको जल प्रदान करेंगे। ये मेघ बादल उत्तंक मेघ के नाम से विख्यात होंगे।